జమ్మూలో 144 సెక్షన్ కొనసాగుతోంది. నిత్య అవసరాల కోసం ప్రజలు మార్కెట్లకు వస్తున్నారు. కర్ఫ్యూ కారణంగా నిత్య అవసరాలు దొరకటం లేదంటున్నారు. 370 రద్దుపై మిశ్రమ స్పందన ఉందన్నారు స్థానికులు. ఏదేమైనా శాంతియుతంగా జీవించాలి అనేదే తమ కోరిక అని చెప్తున్నారు. 370 రద్దుతో తమ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని మరికొందరు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. लोगों से ये अपील की जाती है कि अपने अपने कारोबार बिजनेस खोलें, गाड़ियाँ चलाएं और शांति से रहें, अमन शांति से. ये एक पुराना आइन है हमारे जम्मू कश्मीर का. 370 ये महाराजों के टाइम का बना हुआ एक आइन है, लेकिन इसमें कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ नाराज भी हैं. ये मिक्स रिएक्शन है इसका. तो फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने जम्मू के वासियों से अपील की है, कश्मीर वालों से अपील की है कि वो अपने अपने कारोबार खोलें और अमन शांति से रहें. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जहाँ के हालत तो बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. और जहाँ के प्रशासन ने जहाँ पर 144 धारा लगाई थी, पर वो 144 धारा नहीं थी, वो कर्फ्यू से भी बढ़कर थी. किसी को घर से बाहर नहीं जाने दिया, किसी को घर के अंदर नहीं आने दिया, और दूध नहीं आया, बच्चों को दूध नहीं मिला. ये जो सब्जी वाले लगे हैं, जो सब्जी वाले 4 दिन नहीं आए, और लोगों को बिल्कुल कांटे की तार लगा दी, लोगों को बांध कर घर में रख दिया. कर्फ्यू से भी बहुत बढ़ गया. जम्मू का माहौल तो कल से ही बहुत अच्छा है. सिर्फ सिटी में, ओल्ड सिटी में थोड़ा सा ये पुलिस वगैरह लगी, जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं, बाकी आउटर जितने भी एरिया जम्मू का सब ठीक. आज तो बिल्कुल ही माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा एजिटेशन नहीं, कोई बाहर 4 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. अभी तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये जो भी है कर्फ्यू, खासकर जम्मू में तो हटा देना चाहिए.